25 वोल्ट, 26, 27, 27 बढ़ते ही जा रहे हैं अभी भी। अच्छा बता दूं 24 वोल्ट का अडॉप्टर है, फिर से बता दूं एक बार, अडॉप्टर 24 वोल्ट का है, वोल्ट दे रहा है 28.6, यानी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही है मशीन। अभी हमारे पास ये लाइट है जो लगभग 3-4 एम्पियर की है, ये अडॉप्टर 3 एम्पियर भी पूरे नहीं दे रहा है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अभी इसको चालू करते हैं। जी आ गए हम। ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस यार, इस वीडियो के ऊपर मैं 15 दिन से रिसर्च कर रहा हूं। आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी फ्री एनर्जी के बारे में, जिसके अंदर आपने नए-नए तरीके से देखा होगा कि एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे हैं लोग। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो तरीका यूज होता है YouTube के ऊपर, वो होता है फ्लाईव्हील फ्री एनर्जी वाला। तो आज उसी प्रोजेक्ट पे हम काम करने वाले हैं। आप यहां देख सकते हो मेरे पास एक फ्रेम है और इसके ऊपर मैंने साइकिल का हब लगा रखा है, ये वाला। इसके ऊपर हम फ्लाईव्हील अटैच करेंगे और साथ ही कुछ मोटर वगैरह अटैच करेंगे, डायनामो वगैरह, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके देखेंगे। इस तरीके की वीडियो आपने यूट्यूब पे आज तक नहीं देखी होगी, क्योंकि जिस तरीके की देखी होगी उसका आपको एनर्जी बना के दिखाते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरीके से बनेगी या नहीं बनेगी, ये सारी चीज़ें आज आप समझ जाओगे, ठीक है। तो डिटेल में वीडियो है और इस तरीके की वीडियो यूट्यूब पर नहीं मिलने वाली है, क्योंकि ज़्यादातर वीडियो फेक मिलती है, यहाँ पर आपको रियल इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसलिए इस चैनल को आपको सब्सक्राइब भी करना चाहिए, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक फ्रेम दिखा देता हूँ। उसके अंदर एक साइकिल का हब लगा हुआ है जिसके ऊपर फ्लाईव्हील अटैच हो जाएगा, और ये गार्डर है लोहे का जिसके ऊपर हम मोटर वगैरह अटैच करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसके ऊपर हम फ्लाईव्हील को अटैच करते हैं। फ्लाईव्हील दिखाता हूँ, बहुत मस्त फ्लाईव्हील है। ये हमारा फ्लाईव्हील है जिसको मैं डीजल इंजन के लिए लेके आया था, मतलब डीजल इंजन बनाने के लिए मुझे हैवी फ्लाईव्हील चाहिए था। ये 5 किलो से ज्यादा वेट का है और बढ़िया फ्लाईव्हील है, ठीक है। अच्छा फ्लाईव्हील वो होता है जिसका वेट चारों तरफ हो, उसके कोनों के ऊपर बीच में वेट कम हो, वो सबसे बेस्ट फ्लाईव्हील होता है, ठीक है। तो इसी को हम इसमें यूज करेंगे, डीजल इंजन में ये बाद में यूज होगा, ठीक। तो अभी सबसे पहले इसको मैं अटैच कर देता हूं इस जगह पर, एक वार्शल और एक नट। लगभग सीधा है, एकदम टन टन काम कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फ्लाईव्हील सेट, ठीक। कॉन्सेप्ट क्या है वो समझा देता हूं। लोगों का कहना ये है कि फ्लाईव्हील जब लगता है तो मोटर के ऊपर लोड कम हो जाता है, इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी बन जाती है थोड़ी देर में, तो काइनेटिक एनर्जी की वजह से मोटर पे लोड कम हो जाता है। तो अब हमें चाहिए एक डायनामो और एक मोटर, ठीक। तो उसको हम फिट करेंगे यहाँ पे, इधर डायनामो इधर मोटर। तो मुझे चाहिए थी एक ऐसी मोटर या ऐसा डायनामो जो इक्वल हो, मतलब मोटर की पावर और डायनामो की पावर बिल्कुल बराबर हो। तो उसके बारे में मैंने सोचा थोड़ा सा, और सबसे बेस्ट मोटर मैंने ढूंढा है जो डायनामो की तरह काम करता है। ये है आरओ प्योरीफायर का मोटर, ठीक। एक तो ये मिल गया और एक और भी हमने यही ले लिया, क्योंकि हम चाहते हैं इक्वालिटी रहे बिल्कुल, कुछ भी ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए। तो दो आरओ प्योरीफायर के मोटर हो गए, ये इक्वल है, बिल्कुल बराबर है। अगर इससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे तो इतनी ही देगा जितनी ये देगा, ऐसा नहीं है कि ऊपर नीचे कर देगा, और बहुत अच्छी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप चाहो तो जाके देख सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इससे मैंने 100 वाट का बल्ब जला के दिखाए थे दो, ठीक। तो अच्छी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो इसको हम फिट करेंगे यहाँ पे, सॉरी कुछ इस तरीके से फिट होगा, और ये वाला फिट होगा यहाँ पे। इसको अटैच करने के लिए मैंने क्या किया है, लोग इसके ऊपर बेल्ट लगाते हैं, तो बेल्ट से क्या प्रॉब्लम होती है, फॉर एग्जांपल मैं समझा देता हूँ। देखो अगर हम इसके ऊपर यहाँ पे इनको अटैच करेंगे, तो यहाँ पे अगर हम पुली लगाएंगे, यहाँ पे ही पुली लगाएंगे, तो इसके ऊपर बेल्ट अटैच करनी पड़ेगी। तो बेल्ट से क्या प्रॉब्लम होती है, उसको चलाने के लिए खिंचाव पैदा करना पड़ता है, उससे फ्रिक्शन पैदा होता है यहाँ बैरिंगों पर इधर भी, तो ज़्यादा जो एनर्जी है वो फ्रिक्शन में ख़त्म हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हमने कुछ नया सोचा है। ये है टाइमिंग चैन जो बाइक के अंदर लगती है टाइमिंग गियर के ऊपर। ये है कुछ गियर, ठीक। ये भी टाइमिंग गियर ही है, एक छोटा है और एक बड़ा है, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसके अंदर लगाते हैं हम ये छोटा वाला गियर यहाँ पे, ठीक। और ये गियर हमारा हो गया अटैच, छोटा गियर रखा है मैंने यहाँ पे, ठीक। अब इसके ऊपर एक बड़ा गियर लगा देते हैं, ठीक हो गया। एक छोटा गियर, एक बड़ा गियर, ठीक। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो गियर देख रहे हो आप इसके अंदर मोटर में लगे हुए, ये गियर भी इसी बाइक के अंदर जो टाइमिंग सिस्टम होता है उसी का गियर है। ये क्रैंक में लगा होता है, ये कैम में लगा होता है बड़ा वाला, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने एक बूस्ट ठोक दिया है और उसको लगा दिया मैंने इसके ऊपर, ठीक। तो मैं इसको सीधे ही यहाँ पे अटैच कर रहा हूँ, ये लो जी, ये आ गया हमारा मैकेनिज्म। तेरी मक्खी की मारूं। तो ये हो गया हमारा मैकेनिज्म, ठीक है। तो
तो इसी तरीके का होता है कुछ, दोनों साइड में लगे होते हैं मोटर, ठीक, मतलब एक साइड में मोटर एक साइड में डायनेमो। तो ये एक किसी को भी एक को हम डायनेमो बना सकते हैं, ठीक, एक को मोटर की तरह यूज कर सकते हैं। बीच में होता है एक फ्लाई व्हील, जो कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी की वजह से मोटर पे लोड कम कर देता है, ठीक। बीच में होता है पुली सिस्टम, जिसके ऊपर होती है बेल्ट है। तो बेल्ट मैं बता ही चुका हूं क्यों नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि फ्रिक्शन बढ़ेगा, तो हम चाहते हैं कोई इजी सिस्टम लगाएं जो फ्रिक्शन को कम कर सके। तो ये रहा हमारा टाइमिंग चैन, और इसको हम लगाएंगे अंदर वाली गियर में, और इसको हम चढ़ा देंगे यहां पर, इस चैन को डाल देंगे हम इसके ऊपर। ये लो जी, ये सिंपल इजी काम हो गया हमारा, ठीक हो गया। अब देखो ये मैकेनिज्म कुछ इस तरह काम करेगा, ठीक है। अब देखो, समझ लो इसको सारे मैकेनिज्म को। इसमें हमने चैन लगा दी तो लोड कम कर दिया हमने इसके ऊपर, ठीक है। अब ये जो मोटर है, आमतौर पे उसको क्या करते हैं कि स्टार्ट करते हैं पहले बिजली से, और उसके बाद बिजली हटा के आपस में एक दूसरे को चला देते हैं, इस तरह ही करते हैं ना। लेकिन हम थोड़ा सा कुछ अलग करेंगे, हम इसको 3 amp करके अडॉप्टर से चलाएंगे इसको, 24 वोल्ट का मोटर है ये, तो उससे ज़्यादा इसको मिलने वाले ही नहीं है। मतलब जब लोड पड़ता है ना मोटर पे, तो ज़्यादा एम्पियर लेता है, हम अडॉप्टर लगा देंगे तो 3 amp से ऊपर इसको मिलने के ही नहीं है। बाकी मैं आपको सारा सीन समझाता हूँ, पहले इसके कनेक्शन कर लेता हूँ, ठीक है। लो जी, ये रहा हमारा अडॉप्टर 24 वोल्ट 3 amp का। 3 amp तो खैर देता भी नहीं है पूरे, ऐसे 2 amp 2.5 amp के आसपास देता है। तो इसको हम लगा देते हैं यहाँ पे, और बस इसके तार जोड़ देते हैं यहाँ। मतलब कहने का मतलब ये है कि इससे ज़्यादा एम्पियर इसको मिलने वाले नहीं है। इसमें कितना भी लोड पड़े मोटर पे, ये पीछे से एम्पियर नहीं ले सकता ज़्यादा, क्योंकि इसको देने वाली जो चीज़ है वो इतने ही दे सकता है, इससे ज़्यादा दे ही नहीं सकता। तो ये मशीन के अंदर कुछ भी झोल झाल नहीं हो सकता, ठीक। कितने वोल्ट प्रोड्यूस करेगी, क्या मसला है, बिल्कुल रियल में पता चलेगा तुम्हें, ठीक। ये हो गया इलेक्ट्रिसिटी का जुगाड़, 3 amp नहीं देगा, लेकिन मान लो 3 amp, ठीक है, 3 amp 24 वोल्ट। अब इधर से क्या निकल के आता है, मतलब इन वाले वायर से, इसको मैं एज ए डायनेमो यूज़ कर रहे हैं, तो इधर से क्या निकल के आएगा इलेक्ट्रिसिटी के नाम पे, वो देखना है हमें, ठीक है। तो उसके लिए भी मेरे पास एक जुगाड़ है। तो मेरे पास एक 12 वोल्ट की लाइट है, ठीक है, और लगभग 3 amp ये लेती है। उसके अलावा ये है एम्पियर चूसक बल्ब, ठीक है, ये गाड़ी के अंदर लगता है, बाइक वगैरह के अंदर, इसको तो जानते ही होंगे। ये जैसे 100 वाट का बल्ब होता है ना इलेक्ट्रिसिटी का, उसी की तरह है ये डीसी में, मतलब जैसे वो चूसता है ना करंट को, ऐसे ये चूसता है। तो ये भी यूज़ करके देखेंगे। और बाकी एक मल्टीमीटर है, ये रहा मल्टीमीटर, ठीक, इससे हम देखेंगे कितनी इलेक्ट्रिसिटी निकाल पा रहा है, मतलब कितनी दे रहे हैं, कितनी मिल रही है। तो चलो प्रोग्राम शुरू करते हैं, ये सारा सामान हटाते हैं यहाँ से, इसके कनेक्शन करते हैं इसके साथ। तो डायनेमो में लाइट लगा देते हैं हम, और लगा देते हैं साथ में इसके हम RPM मीटर, सॉरी मल्टीमीटर, जिसके अंदर हम इसके करंट को मेजर कर लेंगे, कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, ठीक है। ओके, हो गया, इतनी भारी हो गया बहुत। ये रहा मल्टीमीटर, इसको बंद ही कर देते हैं, और चालू करते हैं इसको। मशीन चालू हो गई, ठीक है, वोल्ट देख सकते हो यहां पे, पच्चीस वोल्ट, 26, 27, 27 बढ़ते जा रहे हैं अभी भी। अच्छा बता दूं, 24 वोल्ट का अडॉप्टर है, फिर से बता दूं एक बार, अडॉप्टर 24 वोल्ट का है, वोल्ट दे रहा है 28.6, यानी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही है मशीन। अभी हमारे पास ये लाइट है जो लगभग 3-4 amp की है, ये अडॉप्टर 3 amp भी पूरे नहीं दे रहा है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अभी इसको चालू करते हैं, निकल गई चीखें, चीखें निकल गई इनकी, लाइट तो जल गई। अभी देखना कितने वोल्ट दे रहा है, इधर 20 पे कर देते हैं, 9 वोल्ट, और ये पूरी ब्राइटनेस पे नहीं जल रही, मतलब ये 2 amp दे रहा होगा, 3 amp ले रहा है इससे, 3 amp ले रहा है, 2 amp दे रहा है, 24 वोल्ट ले रहा है, और 9 वोल्ट दे रहा है तुम्हें। और जैसे ही मैंने ऑन करा, कैसे स्पीड कम हो गई, आप जो मशीनें देखते हो वो ऐसी चलती रहती है, लोड पड़ने पे भी ऐसी चलती रहती है, वहीं पता चल जाता है कि कितना झोल है इसके अंदर, ठीक। टाइमिंग चैन लूज हुई एकदम झटका लगने की वजह से, इतना ज्यादा लोड पड़ा। अभी देखो इसको बंद कर दूंगा तो कैसे इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, ये बिल्कुल फ्री हो जाएगा। देखो ये बंद करा और वोल्ट इंक्रीज होने शुरू हो गए, इसको 200 पे कर देता हूं वापिस से, देखो 25, 26, वही 28 पहुंच जाएगा, ठीक है ना। अब देखो
ये होता है फ्लाईव्हील फ्री एनर्जी का जोर, ये बनाते हैं। अब देखो तुम्हें एक चीज और दिखाता हूँ, इसको दोबारा से चालू करता हूँ मैं, ये हो गया चालू। देखो ये लगा झटका, क्या हाल हो गया, स्लो हो गया और वोल्ट डिक्रीज होने शुरू हो गए। असली वोल्ट तो लोड पे पता चलते हैं बाबू, और ये कर दिया हमने इसको 20 पे और ये वोल्ट आ गए हमारे वापस से 9। इधर से दे रहे हैं 24 वोल्ट लगभग 3 एम्पियर, इधर मिल रहे हैं 2 एम्पियर भी बड़ी मुश्किल से और 9 वोल्ट। ठीक है, बाकी एनर्जी कहाँ चली गई, इधर से जो आई थी इधर क्यों नहीं आ रही वो, अभी बताता हूँ। ये बल्ब है, अब इस बल्ब को लगा रहा हूँ, देखो क्या होगा, अब इसका नंबर आएगा, ये चीखे निकाल लेगा इस मशीन की है। ये जल रहा है, ये 24 वोल्ट पे ये जल रहा है, समझ रहे हो, बिल्कुल टिमटिम आ रहा है। इसकी चीखें निकल गई, इसकी सारी वेलोसिटी खत्म हो गई, जितनी एनर्जी थी इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गई, ये बिल्कुल हल्के हल्के घूमने लग गया है। ठीक है, अभी इसको निकालते हैं, अब मैं दिखाता हूँ। देखो यहाँ हमने एनर्जी को कन्वर्ट करके निकाला है, डायरेक्ट एनर्जी जो आ रही है ना अडॉप्टर से, उस पर कैसा जलेगा ये, यहाँ रख देता हूँ इसको। देखो ये एनर्जी, ये जो जली थी ना, ये एनर्जी से चला रहा हूँ इसको। देखो फिर ये बल्ब यहाँ डायरेक्ट लगा देता हूँ, ये एनर्जी दे रहे हैं और ये हमें क्या दे रहा है, हमें ये एनर्जी दे रहा है वापस ये। और आप कहोगे यार ये भी जलना, चलो इसको बंद कर देते हैं, चलो ये लो, एक ये लो, ये एनर्जी मिल रही है हमें, बात समझ में आ रही है। ये फ्लाईव्हील का पोपट कुछ भी नहीं कर रहा है, जैसी लोड पड़ता है ये अपनी सारी काइनेटिक एनर्जी की याददाश्त खराब हो जाती है। देखो फिर यहां से डायरेक्ट लिया, ये एनर्जी दी, अरे बल्ब ही फुक गया हमारा, तो ये बल्ब फुक गया क्योंकि 24 वोल्ट था ना, ये बल्ब फुक गया, इतनी ज्यादा एनर्जी से बल्ब फुक गया, लेकिन इधर क्या निकाल के दे रहा था, कुछ भी नहीं। तुम अपने आइंस्टाइन चाचा तो याद ही होंगे ना, उनका क्या कहना था, जब तक कोई बाहरी फोर्स किसी चीज को नहीं रोकेगा वो चलती रहेगी, जैसे ही रोकेगा वो रुक जाएगी। तो यही बाहरी फोर्स है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनता है बहुत जबरदस्त, तो ब्रेक का काम करता है। अभी जो गाड़ी आ रही है ना, इलेक्ट्रिक गाड़ी है, उसके अंदर क्या कर रहे हैं, ब्रेक की जगह मोटर के ऊपर लोड डाल देते हैं, उससे क्या होता है ब्रेक भी लग जाते हैं और बैटरी भी चार्ज हो जाती है, समझ गए। तो ये साला ब्रेक का काम करता है, जब लोड पड़ता है इस पे, तो ये बेवकूफ बनाते हैं लोग, ये तो बिल्कुल जाम कर दे इसको, सारे मैकेनिज्म को फेल कर देगा। अभी देखो क्या करते हैं लोग के इसके ऊपर, ये तो देखो फेल हो गया सारा, अब तुमने देखा होगा मोटर से मोटर चला देते हैं, चलो वही करके देखते हैं एक बार। ये हमने इस मोटर के तारों में ये दो तार हैं, एक यहां जोड़ दिया और दूसरा हमने जोड़ दिया यहां पे। अब हमें ये देखना कि मोटर से मोटर चल जाएगी, चलो मोटर से मोटर ही चल जाए, इलेक्ट्रिसिटी ना दे, सेल्फ रनिंग मशीन ही बन जाए ये। अच्छा जी ये हो गया हमारा, ये एक तार निकाल देता हूँ डॉक्टर का बाद में टच करके, और ये हो गए हमारे दोनों तार, इसको भी एक तार को बस टच करके देखूंगा मैं क्या रिजल्ट आता है, क्योंकि अभी निगेटिव पॉजिटिव भी देखना ना इसका। तो चलो पहले इसको चला के देखता हूँ, पहले सॉरी बेल्ट चढ़ा दूँ उसकी, चलो बेटा तू तो इसके ऊपर आ जा, चलो जी चल गया। इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी बन गई, ये इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहा है, वही 28 वोल्ट तक ले जाएगा ये। इसको हटा के इस मोटर के तार को लगा देता हूँ, अब ये लगा हुआ है इससे, मुझे मीटर नहीं दिख रहा क्या हो रहा है, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता बंद होती जा रही है, ये बंद हो गई, बंद हो गया जी, ये डायरेक्ट इससे कर दिया था मैंने, लेकिन ये थोड़ी देर में बंद हो गया, थोड़ी देर चला लेकिन बंद हो गया, क्यों हो गया सब बताऊंगा। इस मोटर को करंट दिया 3 एम्पीयर के पावर से, ठीक है, और 24 वोल्ट से, जब इसने राउंड बना लिए, वेलोसिटी बन गई, हमने इस मोटर से जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही थी जो कि 28 वोल्ट थे और लगभग 3 एम्पीयर के आसपास ही दे रहा था, ये ज्यादा दे रहा था, इसको हमने वापस इसमें दे दिया। तो जैसे ही हमने इसमें दिया और ये कनेक्शन को हटाया, तो थोड़ी देर चला लेकिन वोल्टेज डिक्रीज होने शुरू हो गए, ठीक, डिक्रीज होते गए और एक टाइम ऐसा आया ये बंद हो गया, ऐसा ही हुआ ना, ठीक है। क्यों हुआ, देखो जब तुम इन दोनों मोटरों को छुओगे तो तुम्हें महसूस होगा कि इसमें हीट पैदा हो रही है, ठीक। अब इसमें हीट पैदा हो रही है तो तुमको ये तो पता ही है कि इलेक्ट्रिसिटी से कौन सा ऐसा इलेक्ट्रिक का जो सामान है उसको चलाने में सबसे ज़्यादा बिजली वेस्ट होती है, जाहिर सी बात है प्रेस, हीटर, ठीक है, इस तरीके की चीज़ों को सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लगती है, ठीक,
क्योंकि हीट पैदा करना है इलेक्ट्रिसिटी से उसमें बहुत ज्यादा एम्पियर और वोल्टेज यूज होते हैं। अब इसमें क्या पैदा हो रही है? हीट। इसका मतलब ये बहुत ज्यादा एम्पियर और वोल्टेज को बर्बाद कर रहा था, ठीक है। यानी हमने यहां इसको दिए 24 वोल्ट, ठीक। कुछ एनर्जी हमारी यहाँ चैन सिस्टम में खत्म हो गई, गियर सिस्टम में, फ्रिक्शन में, ठीक, ग्रेविटी ने खा गई, ठीक है। ये सब चीजें जब कम हो गई यहाँ से, मान लो 20% कम हो गई, अब इलेक्ट्रिसिटी आती है इधर, 20% कम हो गई, यहाँ से 100% थी, 20% ये मैकेनिज्म खा गया, ज्यादा ही खाता होगा लेकिन एक अंदाजा 20 का ले लो, यहाँ फ्रिक्शन में खत्म हो गया, ग्रेविटी में खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ आते हैं, यहाँ पे मोटर जब चलता है तो इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ वो हीट भी प्रोड्यूस कर रहा था। तो हीट प्रोड्यूस करने में तुम्हें पता है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बर्बाद होती है, तो यहां पे आके लगभग 30-40% इलेक्ट्रिसिटी हीट में खत्म हो गई, हवा में उड़ गई, ठीक है। तो अब ये क्या दे रहा है? सिर्फ 30-40% इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है तुम्हें, यहां से 100% दे रहा है, यहां दे रहा है 40%। सीधा सा सिद्धांत है, यहां फ्रैक्शन में भी खत्म होगी, हीट में भी खत्म हो जाएगी, और हीट में सबसे ज्यादा खत्म होगी। तो ये है इसका पोपट, ना तो ये डायरेक्ट चल पा रहा है, ना ये एक 12 वोल्ट की लाइट को सही से जला पा रहा है, ठीक है। 24 वोल्ट ले रहा है लेकिन दे रहा क्या है हमें? बाबा जी का ठुल्लू। यहां रखते हैं इसको, हम जोड़ देते हैं और इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी निकाल लें आपकी दफा, बीच में लोड नहीं डाल लें। तो पहले 24 वोल्ट बना रहा था ना, देख लिया था तुमने, अब के कितने बना रहा है? अब इसका बाप भी नहीं बना सकता 24 वोल्ट, क्योंकि आपके इसके ऊपर लोड पड़ा हुआ है, ये लाइट जल रही है, ठीक है, और ये जो है तुम्हारा 9 वोल्ट दे रहा है। ले रहा कितने है? वो बल्ब जला के दिखाया तो फुक गया, उस पर जो एनर्जी दे रहे थे हम कितनी ज्यादा थी इस अडॉप्टर से? 24 वोल्ट 3 एम्पियर। यहां पे क्या मिल रहा है हमें? 9 वोल्ट और एम्पियर दो ही मिल रहे हैं, वो दो भी नहीं मिल रहे होंगे यार, दो तो खैर चलो मान लो दो मिल रहे होंगे, 2 एम्पियर। बाकी एनर्जी कहां खत्म हुई? फ्रिक्शन में खत्म हुई, हीट में खत्म हो गई। ये क्या काम कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है, ये धरती का बोझ सिर्फ वजन बढ़ा रहा है इसमें पड़ा हुआ है, और कुछ नहीं कर रहा है। एक नया सिस्टम लगा दोगे तो वो और एनर्जी मांगेगा तुमसे, देने का नहीं, क्योंकि एनर्जी पैदा नहीं होती है, एनर्जी को तुम बस कन्वर्ट कर सकते हो किसी दूसरी एनर्जी में। तो ये तो तुमने इसके अंदर ठोक दिया लाके, ये तुमसे कहेगा लाओ मुझे भी चलने के लिए एनर्जी दे दो बाबूजी थोड़ी सी, एक और लगा दोगे तो वो भी कहेगा थोड़ी सी मुझे भी दे दो। तो जो कुछ भी इसके अंदर तुम फिट करोगे वो तुमसे एनर्जी मांगेगा, तुम्हें देगा नहीं। और देखो प्रकृति का सिद्धांत ये है कि फ्री में तुम्हें कुछ नहीं मिलता है यहाँ, ठीक। यहाँ पे सब कुछ ऊर्जा से चलता है, ऊर्जा कन्वर्ट होती रहती है, अलग अलग तरीकों में कन्वर्ट कर सकते हो आप ऊर्जा को। तो ये था फ्री एनर्जी का सारा सिद्धांत, ठीक है। यही वोल्ट है हमारे पास 9 और 24 वोल्ट एनर्जी दे रहे हैं इसको, और ये हमें बदले में क्या दे रहा? बाबा जी का ठुल्लू, ठीक है। इधर से कुछ नहीं मिल रहा हमें, मतलब आधी एनर्जी हमारी बर्बाद हो रही है, आधी से 9 × 18 आधी से ज्यादा ही हो रही है हमारी एनर्जी वेस्ट, ठीक है। तो दोस्तों जो तुमने इस 10 मिनट की वीडियो में देखा है ना, ये 10 मिनट नहीं लगे मुझे इस वीडियो को बनाने में, देखो इस वीडियो को बनाने में लगे लगभग 15 दिन, ठीक है। क्योंकि अब तुम कहोगे कि भाई यहाँ पे बड़ा गियर लगा दो, यहाँ छोटा गियर ले लो, तो उससे क्या होगा कि चक्कर बढ़ जाएंगे, है ना। तो वो सब कुछ मैं करके देख चुका हूँ। गियर बड़ा कर दोगे तो टॉर्क खत्म हो जाएगा इसका, टॉर्क खत्म हो जाएगा तो नुनसा मोटर करेगा ही क्या, फिर एनर्जी नहीं दे पाने का इधर, ठीक है। तो वो सब गियर चेंज करके सारा कुछ करके देख चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो को अभी डीअसेंबल नहीं करने का, सॉरी इस मशीन को अभी डीअसेंबल नहीं करूंगा, इसको रखूंगा अभी, ताकि अगर आपको कमेंट करना है, आप चाहते हो आपके दिमाग में कोई ऐसी चीज है जो आप चाहते हो कि इसके अंदर वो चेंजेस करके मैं इसको चलाऊं दोबारा, तो आप कमेंट करना, मैं वो चेंजेस करके इसके अंदर चला के दिखाऊंगा आपको, तो उससे आपका पैसा बचेगा और रिसर्च यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। तो ये सब कुछ तो मैं करके देख चुका हूँ, यहाँ पे गियर अदला बदली करके सब कुछ देख चुका हूँ मैं, ठीक है। इसके अलावा मैं बड़े गियर भी लेके आया था, वो भी करके देख चुका हूँ, दिखाता हूँ। तो देखो इतने बड़े बड़े गियर भी लगा के देख चुका हूँ इसके अंदर, तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी मैंने नहीं करके देखा, इसमें सब कुछ करके देख लिया मैंने, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बस यही। और ये सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट है, मतलब जो तुम्हारे सामने चल रहा है। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि अब भी कुछ ऐसा है जो तुम्हारे दिमाग में मेरे से ज्यादा बेहतर चल रहा हो सकता है, तो तुम मुझे बताओ, मैं उसको इंप्लीमेंट करके देख लूंगा, इसके ऊपर वीडियो बना के डालूंगा, ठीक है। कमेंट करना उसके लिए, और तुम्हारे भाई की मेहनत के लिए तो यार एक लाइक बनता ही है। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और आगे बताओ कौन से प्रोजेक्ट पे रिसर्च चाहते हो या कौन सी वीडियो चाहते हो, ठीक है। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय बाय।